उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इन चुनाव से पहले जहां एक तरफ चंद्रशेखर आजाद एक मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आ ही रहे थे, नगीना लोकसभा सीट से बार बार नगीना लोकसभा सीट का वह दौरा करते हुए नजर आ ही रहे थे, लेकिन इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने मोर्चा खोल दिया है, योगी सरकार से मांग करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की जो पत्नी है वंदना कुमारी वह भी मैदान में उतर आई हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में संभल पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, जहां पर सपा के दिग्गज नेता शफीकुर रहमान वर्ग की जनाजा निकाला गया था और वहां पर चंद्रशेखर आजाद को नजरबंद कर लिया गया उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। लेकिन मामला यहां पर यह रहा था कि रामपुर में एक गाँव में जिस तरीके से गोलीकांड होते हुए नजर आया, उस गोलीकांड में नजर आया कि 10वीं के एक छात्र की हत्या हो गई और ऐसे में यहाँ पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई, दलित छात्र की हत्या हो गई और दलित परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं अब चंद्रशेखर आजाद। और ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए योगी सरकार से वह मांग करते हुए नजर आए कि अब उन्हें आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए। दरअसल यहां पर बवाल जो हुआ था डॉक्टर अंबेडकर के पोस्टर लगाए जाने को लेकर हो रहा था, लेकिन अब इसके बाद देखा गया कि चंद्रशेखर आजाद की जो पत्नी है वंदना कुमारी वह भी मैदान में है। जानकारी दे दें कि वंदना कुमारी ने सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट साझा किए हैं। उन्होंने भी लिखा कि हाथरस में जो कांड हुआ था वो याद आ रहा है, उत्तर प्रदेश में दलितों का दमन चरम पर है, रामपुर में भाई सोमेश की पुलिस के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, कई लोग घायल हैं लेकिन पुलिस मुझे संभल में रोक रही है। यह चंद्रशेखर आजाद का ही जो पोस्ट रहा वंदना ने भी साझा किया और यहां पर वह कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएं दलितों की हत्या आखिरकार कब तक उत्तर प्रदेश में। इस तरह से यहां पर वंदना ने अपनी बात रखी, लेकिन दूसरी ही तरफ वंदना यहां पर एक और पोस्ट साझा की है। इस पोस्ट में वह लिखती हैं कि यहाँ पर शिक्षक भर्ती आंदोलन को कुचलने के लिए आंदोलन नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी अमरेंद्र सिंह पटेल, विजय प्रताप यादव और वीरेंद्र कुमार को जेल में डालना योगी सरकार की कायराना हरकत है। वह कहते हैं कि दलित पिछड़ों के वोट से मंत्री बनकर सत्ता का सुख भोगने और बीजेपी नेताओं को शर्म आनी चाहिए, न्याय दिलाने की जगह मुझे यहाँ पर देखा जा रहा है कि अब आंदोलन को कुचलने की साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। जल्द ही इन तीनों नेताओं को रिहा नहीं किया गया तो अब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी सरकार की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन को मजबूर होगी। इस तरह से यहां पर वंदना ने भी अपनी बात रखी है। मालूम हो कि वंदना सीए न्यूज़ नेटवर्क की डायरेक्टर हैं, जो कंपनी है चंद्रशेखर आजाद की, और वंदना भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और इसी तरह से चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में वह भी आवाज़ उठाती हुई देखी जा रही हैं। देखना होगा कि योगी सरकार यहां पर आजाद की कितना सुनती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।